दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलीशान किले की जो किसी को गिफ्ट में देने के लिए बनवाया गया और बनवाने के लिए एक साधु से अनुमति मांगी गई और साधु ने एक शर्त रखी कि इस महल की परछाई मेरी ध्यान करने वाली जगह पर ना पड़े और राजा ने इस शर्त को नज़रअंदाज कर दिया। फिर महल बनते ही अपने आप एक रात में वीरान हो गया था और आजकल वहां रात में आना जाना मना है। तो दोस्तों आइए जाने वो राजा कौन था जिसने इस महल को बनवाया और वो साधु कौन थे, ये महल कहाँ स्थित है। दोस्तों एक रात में वीरान हो गया था ये आलीशान किला, यहाँ रात को आना मना है। राजधानी दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की अलवर जिले में मौजूद यह किला आज बिल्कुल वीरान है। वीडियो में जो खंडर आपको नजर आ रहा है ये कभी भव्य और आबाद इलाका हुआ करता था। दोस्तों किले के आसपास हैं दर्जनों मंदिर। इलाके में दाखिल होते ही सोमेश्वर, हनुमान, कृष्ण के केशव, मंगला देवी समेत दर्जनों मंदिर मौजूद हैं। इन्हें देख आप सोच में पड़ जाएंगे कि भगवान के होते हुए भी यह इलाका आखिर वीरान क्यों पड़ा है। ये वाकई अपने आप में एक बड़ी पहेली बन चुका है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ किसी भी इमारत की छत नहीं है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि किले के भीतर दीवारें तो सही सलामत हैं, लेकिन किसी भी इमारत के ऊपर छत मौजूद नहीं है। दूसरी हैरान कर देने वाली बात है यहाँ के मंदिर का सही सलामत होना। स्थापित है यह किला, कहा जाता है कि जिस जगह महल बना उसके पास गुरु बालूनाथ रहते थे। उन्होंने महल निर्माण के दौरान चेतावनी दी थी कि महल की परछाई उनके ध्यान करने वाली जगह पर नहीं पड़े वरना पूरा नगर तबाह हो जाएगा, लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया। इसी श्राप के कारण पूरा किला रातों रात वीरान हो गया था। तांत्रिक ने भी दिया था श्राप। किवंदली है कि सीड़ा नाम के तांत्रिक ने मरने से पहले किले की बर्बादी का श्राप दिया था। मिथकों के अनुसार तांत्रिक सीड़ा भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली को पसंद करता था। राजकुमारी को बस में करने के लिए उनके इत्र पर जादू टोना कर दिया, लेकिन रत्नावली को यह बात पता चल गई और उसने तेल को पत्थर पर फेंक दिया। इसी पत्थर से कुचलकर तांत्रिक की मौत हो गई। घटना के बाद भानगढ़ पर अजबगढ़ ने आक्रमण किया। युद्ध के दौरान किले में रह रहा हर एक शख्स मार डाला गया। दोस्तों इस फोर्ट का इतिहास काफी प्राचीन है। लगभग 17वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला प्राचीन और मध्यकालीन कला का एक नमूना माना जाता है। इस भूतिया फोर्ट को लेकर यह बोला जाता है कि आमेर के राजा ने अपने छोटे भाई के लिए बनवाया था। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है, इसलिए इसकी चर्चा बहुत होती है। कहा जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को इस किले में रुकने की इजाजत किसी को नहीं। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रात में कोई नहीं रुकता है यहाँ। शाम ढलते ही यहाँ से लोग लौट जाते हैं। पुरातत्व विभाग की ओर से भी सख्त चेतावनी दी गई है कि रात में किले के अंदर किसी का भी प्रवेश वर्जित है। आसपास के इलाके में रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ रात भर रहने वाले शख्स कभी लौट के नहीं आया, जो लौटा वो चैन से जी नहीं पाया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।